Hey, what's up guys? Welcome to my channel. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन गिवन हो तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है. उसके लिए यहाँ पे मेरे पास टू मेथड्स हैं. पहले मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, ठीक है. उसमें हम लोग ये करेंगे कि उसमें हम लोग ले लेंगे एलसीएम, ठीक है. और फिर मैं दूसरा मेथड बताऊँगी, उसमें हम मल्टीप्लाई करवाएंगे. तो देखते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं. टू है और यहाँ पर कुछ नहीं है इसके नीचे, तो यहाँ पर क्या हुआ, वन हुआ. टू और वन का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऑफकोर्स टू ही आएगा. अब यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे इसके, तो देखना हम लोगों ने नीचे वाले को, नीचे वाले के साथ तो क्या आएगा, यहाँ वन है तो वन टू ज़ार टू और टू ने मल्टीप्लाई हो जाना. ऊपर वाले के साथ टू थ्री ज़ार क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स आ जाएगा, ठीक है. आप सिंपल इतना भी कर सकते हैं कि जब इधर नीचे कुछ नहीं होता और हम लोगों ने नीचे ये नंबर एलसीएम लिया होता है तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई सिंपल करवा के यहाँ पर लिख लेना, जिस तरह भी आपने याद रखना है, ठीक है. तो आप रख सकते हैं. आप देखिए, नीचे वाला जब सेम होगा तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, ये भी बात है. और एक और ये भी कॉन्सेप्ट है कि टू के टेबल में टू कहाँ पर आ रहा है, वन ज़ार, और वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा, इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा. नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं करूँगी सिक्स एक्स में से एक्स को माइनस, क्या आ जाएगा, फाइव एक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू फाइव. अब मैं क्या कर लूँगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फाइव एक्स, फाइव को टू से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो टेन आ जाएगा. फाइव एक्स अकेला क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, वन है, तो फाइव एक्स वन ज़ार फाइव एक्स ही आ जाएगा. अब मैं क्या करूँगी, देखिए x का x रहने दूंगी, 10 का 10 है, 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड करवा दूंगी, ठीक है. अब देखें कि क्या आ जाएगा, 5 के टेबल में 10 कहाँ ज़र आता है, 2 ज़र, तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है. अब नेक्स्ट इसका मेथड भी यहाँ पे देख लें, आपको जो भी अच्छा लगे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से वाले मेथड से करना है, ठीक है. मल्टीप्लाई करवाऊँगी बोथ साइड्स बाय 2, 2 से क्यों करवाऊँगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ से भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2. देखें 3x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आ गया. अब माइनस यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये एक नंबर है, ये माइनस है, इसको सेपरेट कर दिया, सेकंड बन गया, और ये तो है ही इक्वेशन के उधर, ठीक है. यहाँ पे भी टू मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ भी टू मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स बाय टू इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाय टू, टू टू से कैंसिल हो गया, थ्री एक्स को टू से करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री टू ज़ार सिक्स एक्स आ जाएगा, ठीक है. माइनस एक्स का एक्स आ जाएगा, फाइव टू ज़ार टेन आ जाएगा. सिक्स एक्स में से एक्स कट करूँगी तो क्या आ जाएगा, फाइव एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू टेन आ गया, ठीक है. उसके बाद मैं एक्स का एक्स लिख दूंगी, टेन है. उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइव इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. और मेरे पास क्या आ गया, फाइव की वैल्यू, फाइव कितनी ज़्यादा, टेन होता है टू ज़्यादा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, तब भी यहाँ पे टू आ गई. तो देखिए, आप ये मेथड फॉलो करें या ये करें तो आपका आंसर टू ही आ रहा है. तो आपकी चॉइस, आप जो मर्जी मेथड को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा वाला मेथड अच्छा लग रहा है, ठीक है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर्स, ठीक है.